दोस्तों, मैं हूं आदित्य बंसल। बिजनेस टाइकून में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताऊंगा कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करें और भी कई चीज़ें। इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट करिए और मेरा नंबर भी है व्हाट्सअप, उसमें मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पिछले वीडियो हैं, अगर जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा। इसमें एक रिचार्ज का 75 रुपये, बढ़िया कमाई होगी। ये वीडियो भी अच्छा है, इसमें एक ऐप सताया हुआ है, इसमें 200-400 रुपये आप ज़रूर कमा लोगे। और बिटकॉइन के बारे में एक लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, बिटकॉइन का वैलेट है, उसमें आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप जल्दी ख़रीदिए। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो ज़रूर आप देखिए। अपने वीडियो की तरफ चलते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है, शुरू करते हैं। भारत में लोग बैंक FD, गोल्ड, रियल एस्टेट को ही निवेश का साधन मानते हैं, लेकिन निवेश का एक और साधन है जिसे म्यूचुअल फ़ंड कहा जाता है। बहुत सारे निवेशक किसी एक उद्देश्य से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान और समझ ना होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते, पैसा नहीं कमा पाते। उसी का जरिया म्यूचुअल फ़ंड है। म्यूचुअल फ़ंड की AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किसी फ़ंड मैनेजर को नियुक्त करती है। ये मैनेजर शिक्षित और जानकार व्यक्ति होता है। ये निवेशकों की राशि को किसी शेयर, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, कॉरपोरेट डिपॉजिट इत्यादि में निवेश करके मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग निवेश लक्ष्य होता है। कोई इक्विटी में निवेश करता है, कोई बॉन्ड में निवेश करता है, कोई किसी में करता है, सब अलग अलग करते हैं। कैसे चयन करें म्यूचुअल फंड, कैसे चुने म्यूचुअल फंड, इसको चुनने के लिए पहले निवेश लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। निवेश लक्ष्य कैसे निश्चित करते हैं? अपनी जोखिम क्षमता, रिस्क कैपेसिटी और वक्त, टाइम होरिजन। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं, इक्विटी, डेब्ट और बैलेंस्ड। इक्विटी एग्रेसिव लोगों के लिए, डेब्ट कंजर्वेटिव लोगों के लिए और बैलेंस इन दोनों के लिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें इसके बारे में बताऊंगा। हर प्रकार के निवेशक को उनके उद्देश्य या उनके मतलब का फंड मिल ही जाता है, इतने सारे फंड हैं। निवेश कैसे करें? निवेश करने के लिए दोस्तों पहला पॉइंट है कि आप या तो अलग अलग म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करें, या उनके SIP चालू करें, या फिर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। डीमैट अकाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट जैसा ही होता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट में आप पैसे रखते हैं, उसी प्रकार डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रेड होते हैं या म्यूचुअल फंड ट्रेड होते हैं, उसको ले सकते हैं। इसमें आपको सारे कंपनियों के म्यूचुअल फंड एक ही डीमैट अकाउंट से, उसमें SIP भी चलती रहेगी और आपका म्यूचुअल फंड में निवेश चलता रहेगा। दोस्तों, अगर किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है तो जल्दी ओपन करा ले, और जिसका है वो तो अच्छी बात है, वो जल्दी म्यूचुअल फंड में निवेश चालू कर दे, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा विकल्प है जो बहुत सेफ एंड पॉजिटिव है। दोस्तों, अगर किसी को अकाउंट ओपन कराना है तो एक बहुत अच्छा ब्रोकर है जिसकी ब्रोकरेज बहुत कम है। अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड करता है तो उसका 20 रुपये लॉट है। अगर इक्विटी में शेयर ट्रेड करता है तो उसका 1 पैसा 10 पैसा चार्ज लगता है। मेरा भी उसमें डीमैट अकाउंट है, बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो उसमें ओपन कराना तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वो आप वहाँ से आप उस पर उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी जानकारी चाहिए उसके साथ
मेरे साथ आप जुड़े रहिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए, जिससे मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, इससे मुझे मेरा हौसला बढ़े, मुझे लगे कि लोग मुझे प्रोत्साहन कर रहे हैं, मेरी वीडियो ने अच्छी लग रही हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। आगे भी मैं आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो लाऊंगा, आपको टॉप म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, बहुत मस्त मस्त म्यूचुअल फंड बताऊंगा मैं आपको, देखते रहिए।